वेलकम टू स्टेप अप आईए, स्वागत है आप सभी लोगों का द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डिस्कशन में। आज है 4 अगस्त 2018। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ऐसे कौन से आर्टिकल्स हैं जो आज हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ये आर्टिकल बताता है कि KM जोसेफ के संबंध में जो कॉन्ट्रोवर्सी थी उसे रिजॉल्व कर लिया गया है। कॉन्ट्रोवर्सी क्या थी? देखिए, KM जोसेफ जो कि एक समय में उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं, उन्हें एलिवेट किया जाना था सुप्रीम कोर्ट में। कोलेजियम ने इस संबंध में अपनी रिकमेंडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दी थी। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि KM जोसेफ को इलिवेट किया जाए सुप्रीम कोर्ट में। आर्गुमेंट उन्होंने ये दिया कि और भी बहुत सारे जजेस हैं जो KM जोसेफ से सीनियर हैं और उन्हें एलिवेट किया जाना चाहिए। हालांकि हिडन आर्गुमेंट ये था कि उत्तराखंड में जब KM जोसेफ हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस थे, उसी समय जो प्रेजेंट की गवर्नमेंट है उन्होंने उत्तराखंड में स्टेट इमरजेंसी को इम्पोज किया था और वहाँ पर जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उसको सस्पेंड कर दिया गया था। हालांकि KM जोसेफ ने इस पूरे सिनेरियो को डील करते हुए जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उसको रिस्टोर कर दिया था। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बदला है KM जोसेफ से, और इस बात पर काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी इमर्ज होकर आई थी। हालांकि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह फैसला किया है कि वो KM जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट कर देंगे। आर्टिकल कहता है कि बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है, ये एक सिग्नल है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच में जो कि दो इंस्टीट्यूशंस हैं इम्पॉर्टेंट इंडिया में, उनके बीच में जो एक गैप इमर्ज होकर आ रहा था वो कम हो रहा है और दोनों इंस्टीट्यूशंस अब कोऑपरेट करने की तैयारी कर चुके हैं। इस आर्टिकल में यही बातें बताई गई हैं। यह आर्टिकल करप्शन और पॉवर्टी के बारे में है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट एक्ट 2018 के बारे में है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसे भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये दोनों आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट नहीं है। इस पेज पर ये आर्टिकल GST के बारे में है, लेकिन बहुत सारी फैक्चुअल डिटेल्स बताई गई हैं, नॉट इंपॉर्टेंट, एलिमिनेट करिए। ये आर्टिकल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस के बारे में है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल एक पॉलिटिकल आर्टिकल है, नॉट इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, ये बातें हैं ऑनलाइन पर्सनल गाइडेंस के बारे में। आप हमें इस प्रोग्राम के लिए अप्रोच कर सकते हैं जहां पर आप एक एक्सपीरियंस कोच के सुपरविजन में अपनी तैयारी करेंगे। इसके अलावा 14 अगस्त से नई बैचेस अनाउंस्ड हैं, अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहता है तो इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, 14 अगस्त से ही एथिक्स एंड इंटीग्रिटी का GS पेपर 4 का मॉड्यूल स्टार्ट है, तो अगर कोई केवल एथिक्स और इंटीग्रिटी अवेल करना चाहता है तो वो उसके लिए भी इन्फॉर्मेशन गेन कर सकता है, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं निबंध यानी कि ऐसे राइटिंग में हमारे पास आज क्या है। बर्ट्रेंड रसल का एक स्टेटमेंट हमारे पास है, लॉन्गिंग फॉर लव, सर्च फॉर नॉलेज एंड अनबियरेबल पिटी फॉर द सफरिंग ऑफ द mankind। अगर आपसे पूछा जाए कि आप कैसी दुनिया चाहते हैं, किस प्रकार के विश्व का निर्माण करना चाहते हैं, या फिर आने वाले समय के लिए आपका विजन क्या है, तो आप ये कह सकते हैं कि मैं एक ऐसी दुनिया चाहता हूं जो प्रेम का इच्छुक हो, जहां पर ज्ञान की खोज के लिए लोग तत्पर हों और लोगों के मन में जो मानवता की पीड़ा है उसके प्रति दया की भावना हो। या इस बात को आप कंक्लूजन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, निबंध में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर पिटी से संबंधित ही एक एग्जाम्पल है जादव पेंग जी के बारे में, जिन्हें फॉरेस्ट मैन ऑफ आसाम के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अकेले ही 550 हेक्टेयर का जो सैंड बार था रिवर ब्रह्मपुत्रा के पास में, वहाँ पर एक जंगल का निर्माण कर दिया। बात 1979 के पहले की है जब ब्रह्मपुत्रा नदी में बाढ़ आई। बाढ़ का सबसे बड़ा नुकसान उन जीवों को होता है जो बिलों में रहते हैं, क्योंकि उन्हें बिलों से बाहर आना पड़ता है, उनके बिल नष्ट हो जाते हैं। कुछ जीव तो अपना बिल खुद बना सकते हैं ऐसे स्थान पर जहां पानी ना हो, लेकिन सांप कुछ ऐसे जीवों में से है जो अपना बिल खुद नहीं बना सकता। बाढ़ का पानी तो वापस लौट गया, लेकिन गर्मी उसके बाद कुछ यूं बढ़ी कि ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे जो रेत का मैदान था वो उबलते हुए रेत की तरह था, और वहां पर जादव पेयंग जी ने अपनी आंखों के सामने कई सारे सांपों को मरते हुए देखा। क्योंकि वो उबलते हुए सैंड बार्स पर चल रहे थे, उनके पास रहने की कोई जगह नहीं थी, चूंकि उन सैंड बार्स पर कोई पेड़ नहीं थे तो उनके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल था। इस बात से उनका दिल पसीज गया और उन्होंने फैसला किया कि वो इस सैंड बार की जमीन पर पेड़ उगाएंगे, और उन्होंने अकेले ही 550 हेक्टेयर सैंड बार पर एक जंगल तैयार कर दिया, और यही कारण है कि उन्हें फॉरेस्ट मैन ऑफ असम के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, ऐसी कुछ एग्जाम्पल्स घटनाएं आपके पास हो तो आप उसका इस्तेमाल कर पाते हैं एज पर योर नीड। तो ये देखते हैं पहला आर्टिकल, अ शॉर्ट टर्म फिक्स, पेपर 4 से टॉपिक को जोड़ सकते हैं, चैलेंजेस ऑफ करप्शन। आइए देखते हैं आर्टिकल में क्या बातें बताई गई हैं। देखिए, पार्लियामेंट ने हाल ही में
प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट एक्ट 2018 को अप्रूव कर दिया है। यूनियन मिनिस्टर अरुण जेटली ने कहा कि जो इसके पहले का ड्राफ्ट बिल था वो बहुत ही पुअरली ड्राफ्टेड था और उसमें अमेंडमेंट बहुत ही ज़रूरी था। जो चेंजेस किए गए हैं उसमें इस बात को ध्यान में रखा गया है कि जो पब्लिक एंटरप्राइजेस में या फिर स्टेट ओन्ड बैंक्स में ऑफिशियल्स वर्क करते थे वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के डर से अपने काम को इफिशियंटली फंक्शन नहीं कर पाते थे। उन्हें लगता था कि वो किसी टेंडर को पास कर देंगे तो वो उनकी अकाउंटेबिलिटी पर होगा, उसमें कोई गड़बड़ी हो जाएगी तो उन्हें पनिश किया जाएगा। इसी बात को संज्ञान में लेते हुए कुछ बदलाव किए गए हैं इस एक्ट में, जिससे कि वो ऑफिशियल जो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं उन्हें करप्शन के केसेस में ना फंसाया जा सके। जो लेटेस्ट अमेंडमेंट अभी किया गया है उसमें ये कहा गया है कि अगर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल के खिलाफ करप्शन के चार्जेस में प्रूव करना है या इन्वेस्टिगेशन करना है तो इसके लिए सेंट्रल अथवा स्टेट गवर्नमेंट की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। हालांकि देखिए, लॉ में इस बात का भी प्रावधान किया गया है कि जो लोग ब्राइब देते हैं उनके साथ कोई सहूलियत ना हो, क्योंकि वो लोग अपना काम निकलवाने के लिए करप्शन का सहारा लेते हैं। हालांकि उन लोगों के लिए जिन्हें फोर्स किया जाता है कि वो ब्राइब दें, प्रावधान किए गए हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो ब्राइब देने के एक सप्ताह के अंदर इस घटना की जानकारी अथॉरिटीज़ को देता है कि उसे बाध्य किया गया कि वो ब्राइब दे, तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। और जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने ब्राइब के लिए उस व्यक्ति को फोर्स किया है उनके लिए इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, पनिश करने का प्रावधान किया जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ब्राइब देने के लंबे समय तक चुपचाप बैठा रहता है, इसका मतलब है कि उसने अपनी स्वेच्छा से ब्राइब दिया है और फिर उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। गवर्नमेंट ने यह भी प्रावधान किया है कि फास्ट ट्रैक कोर्स के जरिए ग्राफ्ट के केसेस को जल्दी से जल्दी निपटा दिया जाए। जो चेंजेस हैं वो वेलकमिंग हैं। इससे जो फॉर्मर बैंकर्स हैं जिन्होंने अपना काम ईमानदारी से किया था और वो हमेशा डर में जीते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ी ना हो जाए और वो फंस जाएं, तो उन्हें काफ़ी सहूलियत मिलेगी। हालांकि आर्टिकल यहाँ पर यह बताता है कि जुडिशरी में ऑलरेडी बहुत सारे जो केसेस हैं वो पेंडिंग में पड़े हुए हैं, तो क्या जुडिशरी जो 2 साल का एक टाइम पीरियड दिया गया है विद द 2 ईयर्स ऑफ एलिवेशन, तो क्या जो कोर्ट्स हैं वो इन केसेस को इतनी जल्दी निपटा पाएंगे? हालांकि जो अथॉरिटीज़ हैं उनका ऐसा मानना है कि अब इकोनॉमिक ऑफेंसेस का जो नेचर है वो बदल चुका है, उन्हें ट्रैक किया जा सकता है, लेकिन क्या उन्हें वास्तव में इतनी स्पीडली ख़त्म भी किया जा सकेगा, निपटाया भी जा सकेगा? आर्टिकल कहता है कि हमें अपने कुछ ऐसे देशों से सीखना चाहिए जिन्होंने इन मुद्दों पर या फिर ऐसे इश्यूज़ में कुछ सक्सेस अचीव करी है, जैसे कि यूके। यूके का जो सीरियस फ्रॉड ऑफिस है वहाँ पर वो सारे केसेस को नहीं लेते करप्शन के, वो कुछ स्पेसिफिक केसेस को लेते हैं, उसमें भी वो कुछ टैक्स लगा देते हैं, जैसे कि ये केस हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट में है या फिर इससे बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। तो ऐसे केसेस में वो बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से काम भी कर पाते हैं, तो ऐसा ही कोई मैकेनिज्म इंडिया में भी होना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल एंड में अपने आप को कंक्लूड करते हुए ये कहता है कि देखिए, लॉ ने अच्छे तरीके से ऐसा प्रावधान किया है कि जो लोग अच्छी तरीके से अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं सिविल सर्वेंट, उन्हें दिक्कत ना हो। हालांकि ये शॉर्ट टर्म फिक्स है, हमें कुछ लॉन्ग टर्म मेजर्स भी अपनाने होंगे कि क्या ये जो अभी डिबेट चल रहा है ये है कि पब्लिक एंटरप्राइज या बैंक्स वगैरह जो हैं वो अगर अपना काम अच्छे से कर रहे हैं तो उन्हें ना फंसाया जाए। इसमें देखिए, पूरा बर्डन सीबीआई के ऊपर चला गया कि आप इस तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाएंगे कि जो लोग अच्छे से अपना काम कर रहे हैं उनकी जो ऑटोनॉमी है, उनके जो काम करने का तरीका है वो हर्ट हो। लेकिन क्या इसकी जिम्मेदारी या अकाउंटेबिलिटी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या फिर जो फंक्शनरीज हैं उनके ऊपर नहीं होनी चाहिए? तो हमें कुछ लॉन्ग टर्म मेजर्स अपनाने चाहिए ताकि जो करप्शन के केसेस हैं हम उनको अच्छी तरीके से डील कर सकें, ठीक है। तो आइए देखते हैं अपना अगला आर्टिकल, अकाउंटेबल एंड एडवेंचरस। पेपर 2 और पेपर 4 दोनों से ही जोड़ सकते हैं। पेपर 2 में गवर्नेंस वाले सेक्शन से और पेपर 4 में चैलेंजेस ऑफ करप्शन वाले मुद्दे से आप इसको जोड़ सकते हैं। आर्टिकल कहता है कि स्टेट को करप्शन और पॉवर्टी दोनों को ही टैकल करना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज को पुराने जो वॉर्स हैं उनको फाइट करना बंद करके नए अप्रोच अपनाने चाहिए। आइए देखते हैं आर्टिकल में क्या है। देखिए, इंडियंस को 2 तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ तो वो करप्शन से परेशान हैं, दूसरी तरफ पॉवर्टी से। एंडिंग पॉवर्टी नीड्स अ मोर एडवेंचरस स्टेट व्हाइल एंडिंग करप्शन नीड्स अ मोर अकाउंटेबल वन। अगर हम चाहते हैं कि पॉवर्टी को ख़त्म किया जाए तो हमें एक ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो ऐसे स्टेप्स ले सके जिससे पॉवर्टी को ख़त्म करने में सहूलियत होगी। और अगर हम चाहते हैं कि करप्शन ख़त्म हो तो हमें एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट की आवश्यकता है, अकाउंटेबल ऑफिशियल्स की आवश्यकता है। लोग चाहते हैं अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड्स हमने देखे टेलीकॉम सेक्टर में, कोल सेक्टर में, लैंड और बैंक सेक्टर में। देखिए, कोई भी स्टेट कोलैप्स कर जाएगा अगर वहाँ की जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो आइडेंटिफिकेशन ना कर पाएँ, डिफ्रेंशिएशन ना कर पाएँ कि कौन सा जो केस है वो फ्रॉड का है,
कौन सा इनकम्पिटेंस का है, कौन सा बैड लक का है। कुछ लोग होते हैं वो अपना काम अच्छे से करते हैं लेकिन गलती से फंस जाते हैं, तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को ये डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए कि हाँ, इस व्यक्ति ने जानबूझकर फ्रॉड किया है और ये तो काम अच्छे इंटेंशन से कर रहा था लेकिन गड़बड़ी हो गई है। अगर आप इस चीज़ में आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाएंगे, डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाएंगे, तब तो कोई भी स्टेट कोलैप्स कर जाएगा। हाल ही में जो अमेंडमेंट किया गया है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, उसके जरिए जो ऑनेस्ट रिस्क टेकर्स हैं उन्हें बचाने का प्रयास किया गया है। हालांकि इनफ नहीं है, आर्टिकल कहता है जो सस्टेनेबल सॉल्यूशन है वो तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। पहला है रेशनलाइजेशन, दूसरा है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन और तीसरा है स्पेशलाइजेशन। तो आइए सभी पॉइंट्स को डिटेल में देखते हैं। पहला मुद्दा है रेशनलाइजेशन का। इसका मतलब ये है कि सरकार को चाहिए कि जो फैक्टर्स हैं, जो एंटिटीज़ हैं, वो कम हो और काम ज़्यादा हो। हमें 50 से ज़्यादा मिनिस्ट्रीज़ की आवश्यकता नहीं है, हमें 200 से ज़्यादा सेक्रेटरीज़ की भी आवश्यकता नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 300 से ज़्यादा पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं। इस वजह से देखिए, जो हमने बहुत सारा बैड लोन राइट ऑफ किया पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, अगर हम चाहते तो उस पैसे का इस्तेमाल करके 10 सालों तक जो प्राइमरी एजुकेशन है उसके लिए फंडिंग को इंक्रीज कर सकते थे। एयर इंडिया में जो पैसे खर्च किए गए उसके लॉस को कंपनसेट करने के लिए, हम चाहते तो अगले 4 सालों तक जो जुडिशियल एक्सपेंडिचर है उसको कोप अप कर सकते थे। तो जिस तरीके से हम फंड को मोबिलाइज कर रहे हैं दूसरी ओर, क्या ये रैशनल है? क्या इतनी ज़्यादा एंटिटीज़ को बनाए रखना रैशनल है? हमें फोकस करना चाहिए हेल्थ केयर पे, एजुकेशन पे, रोड्स पे, पुलिस पे, क्योंकि आज इनकी नीड है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा 25 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज चाहिए और 25 PSUs चाहिए, लेकिन इनकी संख्या जो हद से ज़्यादा है वो डेफिनेटली रैशनल नहीं कही जा सकती। तो हमें रैशनलाइजेशन की आवश्यकता है। दूसरा जो दूसरा फैक्टर है, दैट इज़ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हों वो स्ट्रांग होने चाहिए। जो नोबल ल्यूक्रेट हैं डगलस नॉर्थ, उन्होंने कहा कि किसी भी दो देशों के बीच में, किन्हीं भी दो देशों के बीच में जो एक देश गरीब है या अमीर है, इस बात पर डिपेंड करता है कि वहाँ के इंस्टीट्यूशंस कैसे हैं, उनके इंस्टीट्यूशंस फंक्शंस कैसे करते हैं, उनका काम कैसे है। अगर हम प्रैक्टिकल बेसिस पर देखें तो लास्ट के कुछ डिकेड्स में जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस आए हैं, सेल कंपनीज के केसेस आए हैं, उन्होंने टैक्स पेयर्स का मजाक उड़ाया है। क्योंकि एक तरफ तो कुछ ईमानदार टैक्स पेयर्स हैं जो अपना टैक्स पे कर रहे हैं और दूसरी तरफ ब्लैक मनी का एक रिसोर्स तैयार होता चला जा रहा है। जो बैंक बड़े बड़े लोन्स देते हैं ये जानते हुए कि पैसा रिकवर नहीं होगा, वो छोटे स्मॉल बोरोवर्स का मजाक उड़ा रहे हैं, जो स्ट्रगल करता है अपने बिजनेस में और पूरी ईमानदारी से अपने पैसे वापस करता है। जो बैड लोन इतनी ज़्यादा अमाउंट में बढ़ते चले जा रहे हैं और सरकार उन्हें कंपनसेट करती है, ये कॉमन सेंस का मजाक है। देखिए, पिछले कुछ सालों में ऐसे प्रयास किए गए हैं जिनके जरिए इन समस्याओं के समाधान को ढूंढने की कोशिश की गई है, जैसे कि डीमोनेटाइजेशन, GST, रेरा एक्ट, सेल कंपनीज को कर्ब करने के लिए रेगुलेशंस, बैंकरप्सी कोड, फ्यूजिटिव बिल, बैड लोन अकाउंटिंग, प्रोविडेंट फंड इन्फोर्समेंट। लेकिन ये केवल एक स्टार्ट है, हमें बहुत कुछ करना होगा। हमें अपने इंस्टीट्यूशंस को इतना ज़्यादा स्ट्रांग बनाना होगा कि हम अपने देश का जो फ्रेमवर्क है उसको बेहतर कर सकें। तीसरी बात है स्पेशलाइजेशन। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट डिबेट चलता रहता है जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट के बीच में। देखिए, IAS ऑफिसर एक जर्नलिस्ट होता है, ठीक है, और जो कुछ स्पेशलिस्ट सेक्शंस होते हैं जहाँ पर लोग काम कर रहे होते हैं, इनके बीच में अक्सर एक डिबेट चलती रहती है कि आखिर हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। हालांकि ये डिबेट कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि हमें दो के दोनों की ज़रूरत है, हमें जर्नलिस्ट भी चाहिए और स्पेशलिस्ट भी चाहिए। इंडियन पॉलिसी मेकिंग में जर्नलिस्ट ऑलरेडी हैं जिन्हें हम पॉलिटिशियंस के नाम से जानते हैं, तो हमें ब्यूरोक्रेसी में जो IAS ऑफिसर्स चुन के जाते हैं उनके नाम पर और जर्नलिस्ट नहीं चाहिए। हमें चाहिए कुछ स्पेशलिस्ट जो कि और टेक्नोक्रेट्स जो अपना काम बिल्कुल स्पेशलाइजेशन के साथ कर सकें, जो अभी हम एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, पब्लिक फाइनेंस में, अर्बनाइजेशन में, बैंकिंग में फेल्योर देख रहे हैं। अगर हमारे पास स्पेशलिस्ट होंगे तो हम इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर पाएंगे। और बिल्कुल सेम प्रॉब्लम हम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के संबंध में भी देख सकते हैं, जहां पर जो कन्विक्शन रेट है वो 3% से भी कम है। तो अब आइए देखते हैं कि इन कंपोनेंट्स को इंप्लीमेंट कैसे किया जा सकता है। हम एग्जांपल एक बैंकिंग का ही ले लेते हैं। बैंकिंग सेक्टर के फील्ड में अगर आप रेशनलाइजेशन की बात करें तो देखिए, यहाँ पर एक बात बिल्कुल क्लियर है, बैंक्स मेक लोन्स, सम विल ऑलवेज गो बैड। ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जब बैंक लोन देते हैं तो कुछ न कुछ लोन्स ऐसे होते हैं जो वापस नहीं आते, और मूर्खता करना कोई इलीगल बात नहीं है, कोई भी व्यक्ति मूर्खता कर सकता है या कई बार हो जाता है।
लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक जो हैं वो ज़्यादा एक्सीडेंट प्रोन हैं, वहाँ पर दिक्कत ज़्यादा होती है, और यहाँ पर अगर हम उन्हें कंपनसेट करते हैं तो इसे हम रेशनल नहीं कह सकते। और 21 पब्लिक सेक्टर बैंक्स का होना बहुत ज़्यादा है। अगर आप ज़्यादा पब्लिक सेक्टर बैंक देते हैं तो उनमें दिक्कतें भी ज़्यादा होती हैं, तो आपको कंपनसेट भी ज़्यादा करना पड़ता है। अभी इंडिया में टोटल 21 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है, ये रेशनल नहीं है, ऐसा आर्टिकल कहता है। दूसरा, अगर आप इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की बात करें तो RBI लगातार जो बैड लोन की समस्याएं आ रही हैं उनको हैंडल करने की कोशिश कर रहा है, बैंकरप्सी के जो लॉज आए हैं उनके जरिए भी ऐसा काम करने की कोशिश की जा रही है। तो हमें ऐसे ही कुछ प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट करना होगा जो गवर्नेंस को और बेहतर बना सकें। स्पेशलाइजेशन की बात करें तो ब्यूरोक्रेट्स के संबंध में दिक्कत क्या है कि वो या तो टेक्नोक्रेट्स से बहुत ज़्यादा ऊपर सोचने लगते हैं या फिर बिल्कुल नीचे सोचते हैं, कोलैबोरेशन नहीं हो पाता टेक्नोक्रेट और ब्यूरोक्रेट्स के बीच में, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। गवर्नमेंट बैंक में देखिए जो स्टाफ है वो स्पेशलाइज्ड होना चाहिए, कंटिन्यूसली ट्रेंड होना चाहिए, ऑटोनोमस होना चाहिए, वो इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सकें, तभी हम जाकर स्पेशलाइजेशन का सही में फ़ायदा उठा पाएंगे। तो स्पेशलाइजेशन किसी भी सेक्टर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो बैंकिंग सेक्टर का एग्जांपल लेके हमने ये देखने की कोशिश की कि हम इन कंपोनेंट का इस्तेमाल करते हैं तो दिक्कतें थोड़ी सी कम हो जाएंगी। ठीक है, कंक्लूजन में ये बताया गया है कि देखिए जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो लगातार इस डिबेट में फंसे रहते हैं कि पिछले समय में या फिर पास्ट में क्या हुआ है, जबकि उन्हें चाहिए कि वो आने वाले समय में जो दिक्कतें आ रही हैं उनको सुलझाने का प्रयास करें। करप्शन जो है वो हमारे GDP को लगभग 2% का नुकसान पहुंचाता है और पॉवर्टी में लगभग 300 मिलियन इंडियंस अभी फंसे हुए हैं, तो हमें उस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। और इस संबंध में एक जो फिलोसोफर हैं जे सॉल, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, काफ़ी अच्छा स्टेटमेंट है, आप इसका इस्तेमाल निबंध में कर सकते हैं। आर सिटीजन डिजर्व्स अ मैसिव रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द स्टेट बिकॉज दे आर नॉट कस्टमर्स ऑफ ब्यूरोक्रेट्स बट देयर एम्प्लॉयर्स। जो सर्विसेज आपको ब्यूरोक्रेट्स देते हैं आप उनके कस्टमर्स नहीं हैं, आप उनके एम्प्लॉयर हैं, आप उनकी सैलरी पे करते हैं। तो ये जो सेंटिमेंट है ये जब तक उभर के नहीं आएगा तब तक अच्छे तरीके से उनके लिए काम नहीं किया जा सकेगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो आइए अपना अगला आर्टिकल डिस्कस करते हैं, दिल्ली एंड कैनबरा अ लॉस्ट चांस। पेपर 2 से टॉपिक को जोड़िए, बायलैटरल रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग वाले सेक्शन से। देखिए 12 जुलाई को बहुत ही सिग्निफिकेंट डॉक्यूमेंट ऑस्ट्रेलिया में पब्लिश किया गया, कैनबरा में। 500 पेजेस का ये डॉक्यूमेंट था जिसकी थीम थी एन इंडिया इकोनॉमिक स्ट्रेटजी 2035 नेविगेटिंग फ्रॉम पोटेंशियल टू डिलीवरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसको तैयार किया गया है वहाँ के स्ट्रेटजिक एक्सपर्ट पीटर वर्गीस के द्वारा, जो कि नई दिल्ली में हाई कमिश्नर भी रह चुके हैं और वर्तमान में ये यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड के चांसलर भी हैं। देखिए उनकी जो रिकमेंडेशंस हैं उसमें काफ़ी पोटेंशियल है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच के जो रिलेशंस हैं वो बहुत ही बेहतर हो सकते हैं। इस रिपोर्ट में उतना ही पोटेंशियल है जो कि 1989 में पब्लिश किए गए रॉस ग्रॉनॉट की रिपोर्ट में था, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया का जो अप्रोच था नॉर्थ ईस्टर्न एशिया की तरफ वो काफ़ी बदल गया था। हालांकि रिपोर्ट को ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई, वहाँ के जो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर हैं स्टीव सियोबो, उन्होंने बहुत ही छोटे से फैनफेयर के साथ इस रिपोर्ट को पब्लिश कर दिया। इवन मीडिया ब्रीफिंग भी नहीं करवाई गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित नहीं किया गया। सब्सटांस ये था कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिटेल्स हैं इस पूरी रिपोर्ट में, जिसे कि मैकिन्से एंड कंपनी की जो डिटेल्स थी और बहुत उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे उनकी जो इन्फॉर्मेशन थी उसके बेसिस पर इसे तैयार किया गया है और बहुत ही प्यारी रिकमेंडेशंस इस पूरे रिपोर्ट में दी गई है। कारण क्या था कि ऑस्ट्रेलिया ने इस रिपोर्ट को तवज्जो नहीं दी, दैट वॉज द चाइना फैक्टर। चाइना के संबंध में कुछ बातें वर्गीस ने ऐसी कही हैं जिसके आधार पर कैनबरा काफ़ी नर्वस था इस रिपोर्ट को बहुत ज़्यादा हाइप करने के संबंध में। हालांकि रिपोर्ट चाइना के बारे में नहीं है और ना ही ये रिपोर्ट इस बात पर फोकस करता है कि किस तरीके से चाइना पूरे रीजन में अपनी हेजमनी को क्रिएट कर रहा है। ये रिपोर्ट तो एक इकोनॉमिक रिपोर्ट है। हालांकि फिर भी जो वर्गीस जी हैं, जो कि ऑफिस ऑफ नेशनल असेसमेंट के फॉर्मर हेड भी रह चुके हैं, उन्होंने लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्ट्रेटजी जो इंडिया की तरफ होनी चाहिए ऑस्ट्रेलिया की, उसके लिए दो पिलर्स बताए रिलेशनशिप में। पहला पिलर था पीपल टू पीपल टाइज, जो कि बहुत ही यूनिवर्सल फैक्टर है, सभी लोग जानते हैं। दूसरा फैक्टर जो उन्होंने बताया, जियोपॉलिटिकल कंग्रुएंस, कंग्रुएंस आप कह सकते हो। अब इसके लिए उन्होंने तीन फैक्टर्स बताए कि जियोपॉलिटिकल कन्वर्जेंस बढ़ाने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाना चाहिए। पहली बात तो ये है कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो चाइना अपना इन्फ्लुएंस पूरे रीजन में बढ़ाने का प्रयास कर रहा है वो कर्व करें। दूसरी बात कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दो के दोनों ही रूल बेस्ड इंटरनेशनल सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ना तो इंडिया और ना ही ऑस्ट्रेलिया बाय या बुली कर सकते हैं पूरी दुनिया में अपने इंटरेस्ट को, जैसा कि चाइना कर सकता है। हालांकि उन्होंने चाइना का नाम नहीं लिया, बट फोकस चाइना की ओर ही था।
कि चाइना बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करता है दूसरे देशों में जाके, ग्रांट देता है ताकि वो उसके फेवर में रहें। ऐसा ना तो इंडिया कर सकता है और ना ही ऑस्ट्रेलिया कर सकता है, तो दोनों को चाहिए कि दोनों आपस में कोलैबोरेट करें। तीसरी बात कि इंडिया चाहता है कि जो रीजनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इनकरेज किया जाए, क्योंकि देखिए इंडिया एक ऐसा देश है जो कि ग्रेट डेमोक्रेसीज के साथ अलाई होना चाहता है, लाइक ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए। तो ऑस्ट्रेलिया को इंडिया के साथ अलाइन होना चाहिए। अब यही कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर जो ऑस्ट्रेलिया है वो थोड़ा सा कॉन्शियस है, उसे ऐसा लगता है कि अगर वो इस रिपोर्ट को ज़्यादा तवज्जो देगा तो चाइना उनसे नाराज़ हो सकता है। कुछ और भी सेक्टर्स हैं, उन्होंने जो 90 रिकमेंडेशन दी हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया कोलैबोरेट कर सकता है, वो सेक्टर्स हैं माइनिंग, एग्री बिजनेस, टूरिज्म, एनर्जी, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल सर्विस, स्पोर्ट्स, साइंस इनोवेशन, डिफेंस सिक्योरिटी, एजुकेशन। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है दैट इज़ एजुकेशन। वर्गीस जी कहते हैं कि जो स्कूल्स में एजुकेशन है या फिर यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च है उसको प्रमोट किया जा सकता है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इंडिया में। वर्गीस ने यह भी कहा कि ऑस्ट्रेलिया की ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी इस बात पर डिपेंड करेगी कि वो इंडिया से कितने बेस्ट और ब्राइटेस्ट माइंड्स को अट्रैक्ट कर पाता है। ऑस्ट्रेलिया को चाहिए कि वो इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको रियलाइज़ करवाने में इंडिया की मदद करे, और वो ये भी उम्मीद करते हैं कि जो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कोलैबोरेट करेंगी इंडिया के साथ बजाय इसके कि वो कम्पीट करें, क्योंकि अब चाइना के जो स्टूडेंट्स हैं वो वल्नरेबल होते जा रहे हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में उतना नहीं जा रहे हैं, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके लिए इंडिया में हो सकती है। कंक्लूजन में यही कहा गया है कि जो सीरियस कंसर्न है वो यही है कि क्या ऑस्ट्रेलिया सच में इस रिपोर्ट को तवज्जो दे पाएगा और दोनों देशों के बीच में जो रिलेशंस हैं उन्हें बेहतर बनाया जा सकेगा, बिकॉज काफ़ी लंबे समय से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच के रिलेशंस उतने स्ट्रांग नहीं जितने हो सकते हैं। कुछ बहुत कम ऐसे देश हैं जिनके बीच में वैल्यूज़ और इंटरेस्ट इतने ज़्यादा कन्वर्ज करते हैं जितने कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, फिर भी हम अपने रिलेशंस को उस पोटेंशियल तक नहीं ले जा सके हैं जहाँ तक हम ले जा सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं आज हमारे पास इंटरव्यू के लिए क्या है। रीड योर DAF बायोडाटा मल्टीपल टाइम्स। आप जब भी इंटरव्यू में जाएं तो अपने DF को बार बार पढ़ें और ये एनालाइज करने की कोशिश करें कि क्या पॉसिबल क्वेश्चंस वहां से निकल सकते हैं और उसकी तैयारी करके जाएं। क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। किस आधार पर इंडिया को नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में डिवाइड किया जाता है? इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। यहाँ पर जो हमारा डिस्कशन है वो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस डिस्कशन। थैंक्स अ लॉट।